वेलकम टू सर प्रोबेबल्स। दोस्तों आप लोग को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल में पढ़ चुके होंगे कि इगोर स्टिमक ने दिल्ली में जो कैंप हो रहा है वहां से 6 प्लेयर्सों को रिलीज कर दिया है। इस वीडियो में उसी 6 प्लेयर्सों के बारे में बात करेंगे, क्यों उनको जाना पड़ रहा है और बाकी रह गए 31 प्लेयर्सों को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से एक नया अपडेट आया है कि दिल्ली में जो 37 प्लेयर्सों के साथ कैंपिंग चल रहा है उसमें से 6 प्लेयर्सों को इगोर स्टिमक ने रिलीज़ कर दिया है। हालांकि कारण के तौर पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है, लेकिन जहाँ तक लगता है कि इन 6 प्लेयर्सों के परफॉर्मेंस को देख कर इगोर स्टिमक ने इनको घर भेज दिया है। तो दोस्तों, आप लोग देखना चाह रहे होंगे कि ये 6 प्लेयर्स कौन कौन हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है विशाल केत। 37 प्लेयर्सों में से 4 गोलकीपर थे, जहाँ थे गुरप्रीत, अमरिंदर, विशाल और कमलजीत सिंह। जहाँ तक बात करें तो एफसी पुणे सिटी के साथ खेलने वाले विशाल केत को उन्हीं के टीममेट कमलजीत सिंह के परफॉर्मेंस ने शायद उनको पछाड़ दिए हैं। तो इस बार कॉन्स्टेंटन के स्क्वाड में हर बार रहने वाले विशाल केत आउट हो गए हैं। विशाल केत के बाद अब दूसरा नाम है विक्रमजीत सिंह। दिल्ली डायनामोस एफसी के मिडफील्डर इस बार आईएसएल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और जिसके लिए उनको 37 प्रोबेबल स्क्वाड में शामिल किया गया था, पर इगोर स्टिमक के उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। तीसरा नाम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के मिडफील्डर रिदिम तलांग, जो इस बार बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पर लगता है कि कैंपिंग के दौरान इगोर स्टिमक को अपने परफॉर्मेंस से खुश करने में नाकाम रहे रिदिम तलांग। रिदिम तलांग के बाद नाम आता है नंद कुमार का। दिल्ली डायनामोस एफसी के लेफ्ट राइट दोनों विंग्सों में खेलने वाले नंद कुमार इस बार कमाल के प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, लेकिन इगोर स्टिमक के 31 मेंस प्रोबेबल स्क्वाड में अपना जगह नहीं बना पाए। उसके बाद नाम आता है चेन्नई एफसी के मिडफील्डर जर्मनप्रीत सिंह। जर्मनप्रीत सिंह भी कॉन्स्टेंटन के स्क्वाड में रहने वाले रेगुलर मेंबर है, जो इगोर स्टिमक के 31 मेंस प्रोबेबल स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए। उसके बाद लास्टली नाम है सुमित पासी, कॉन्स्टेंटन के स्क्वाड के चहेते मेंबर सुमित पासी, जिनको इगोर स्टिमक के फाइनल 31 प्रोबेबल स्क्वाड से बाहर होना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप लोग को ये 6 चेंजेस कैसे लगे और कौन कौन से चेंजेस सबसे बेस्ट हैं और किस किस को 31 प्रोबेबल स्क्वाड में रहना चाहिए था, ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब आइए थोड़ा नज़र डालते हैं 31 मेंस प्रोबेबल स्क्वाड में। गोलकीपर्स में फिलहाल 3 प्लेयर्स हैं, गुरप्रीत, अमरिंदर और कमलजीत सिंह। और डिफेंडर्स में है प्रीतम, निशु, राहुल, सलाम, संदेश, आदिल खान, अनवर अली, सुभाषिस बोस और नारायण दास। मिडफील्डर्स में बाकी रह गए उदंता, जैकी चंद, ब्रैंडन, अरिरुद्ध थापा, रेनियर फर्नांडिस, धनपाल गणेश, प्रणय हल्दार, रोनेलिन बोर्जेस, विनीत राय, सहाल अब्दुल, अमरजीत, लालियन जोनल चांगते, कोमल और सुसई राज। उसके बाद फॉरवर्ड में रह गए बलवंत, सुनील, जोबी, फारूक और मनबीर। तो दोस्तों, 37 प्लेयर्सों में जो 13 अनकैप प्लेयर्स थे उनमें से 3 प्लेयर्स चले गए हैं, नंद कुमार, विक्रमजीत सिंह और रिदिम तलांग। बाकी बचे रह गए 10 प्लेयर्सों में से, मतलब 10 अनकैप प्लेयर्सों में से कौन कौन से प्लेयर फाइनल 23 मेंस स्क्वाड फॉर किंग्स कप में शामिल हो पाएंगे, आपका राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आप मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन हरदम पाना चाहते हैं। तो धन्यवाद।